बहुत मीठा गाना है और वो जिस तरह के पहले गाने बनते थे जैसे बरमंदा सलीला और ये रविंद्र संगीत उस तरह के मैं वो तो रविंद्र संगीत काफ़ी यूज़ करते थे ना एच डी बर्मन साहब, तो वही इसमें खूबी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन में जब संगीत एकदम ही विचित्र रूप ले चुका है, उसमें इन्होंने ये कोशिश की है कि इस तरह की कंपोजिशन और इस तरह का एक पीसफुल गाना जो कि सुनने में जिसकी रिपीट वैल्यू लगे, जिसको सुन के मन को अच्छा लगे, ऐसा गाना दिया है इन लोगों। तो बंगाली म्यूज़िक मेरा बड़ा फेवरेट है बंगाली, और ये रविंद्र संगीत है तो ये तो मैं बचपन से ही मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा, इतना अच्छा लगा सुन के। और प्रथा मैं तो इसमें तुम्हें मिस कर रही थी कि दीदी के साथ तुम्हें भी गाना चाहिए था, और बहुत अच्छा लगता, और आई एम श्योर कि तुम कुछ ना कुछ ज़रूर करोगी आगे। और ये इस एल्बम के लिए दीदी को जो है उनको भी बहुत बहुत मुबारकबादी कि इतने सालों के बाद इन्होंने गाया, और ये एक अच्छी बहन का काम किया इसने कि आपको दोबारा से ये लेकर आई सामने। और ये राजेश का भी पूरा इसमें सहयोग इसने दिया पूरा, तो बहुत ही बहुत अच्छा लगा बहुत। और आप लोग सब इन्हें प्यार दीजिए और इनको और सराहना होनी चाहिए इनकी, क्योंकि जो काम ऐसा आता है अच्छा काम वो छुप जाता है, वो सामने निकल कर आए तो फिर बड़ा मज़ा आता है। और ख़ास करके हम आर्टिस्टों को तो अच्छा लगता ही है, लेकिन अगर दुनिया पूरी अच्छी चीज़ सुनने लगेगी तो पूरे माहौल पूरे ब्रह्मांड में इसका एक और ही असर हो जाएगा, अच्छे संगीत का और असर होगा, उससे कितनी चीज़ें क्योर होंगी ये शायद लोग नहीं जानते हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी प्यारी बहन के लिए, प्रथा के लिए, ये दूसरी बहन मिल गई इनके लिए, और राजेश तुम्हें भी, तुम्हारी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद। किस तरह का गाना है और ऑडियंस को क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स मिलेगा? मैं सबको नमस्कार करती हूँ, और ये गाना तो मुझे फिर वापस आ रही हूँ मैं, क्योंकि आफ्टर 35 इयर्स ये गाना मैंने गाया। और मैं जैसे प्रीता को उंगली पकड़ के चलना सिखाया और गाने में भी लाई थी, तो आज ऐसा लग रहा है मैं छोटी हो गई और प्रीता मेरी उंगली पकड़ के मुझे आगे लेना चाहती है। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और सही बात है, ऑडियंस को अगर अच्छा लगे, मैं कोशिश किया था क्योंकि अभी छूट गया उससे गाना, बहुत पहले जो मैं थी वो दिखा नहीं पाई, और इतने दिनों के बाद थोड़ा सा तो डर लगता है। बहुत सारे बच्चों आजकल गाना गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं उधर, तो सच्ची मैं मुझे ऐसा लग रहा है मैं तब अगर मेरा इतना चांस मिलता, मैं कोई मुझे लेके करती तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन वो नसीब के बाद था और नहीं हुआ, और मेरी गलती भी नहीं थी कि मैंने अचानक बंद कर दिया गाना, ये नहीं था। मैं 10-12 घंटा प्रैक्टिस करती थी, एक दिन अचानक मेरे गले से गाना बंद हो गया प्रैक्टिस करते हुए, तब बहुत रोई थी क्योंकि डॉक्टर लोग ने बोला कि मैं गा नहीं सकती, बात भी नहीं करूँगी मैं किसी से, तो वो मुझे लग रहा था मैं मर चुकी हूँ, मेरा सिर्फ शरीर ही है कुछ भी नहीं है, तो गाना बंद हो गया था। तो अभी प्रीता मेरे लिए पता नहीं वो सोचती है कि दीदी को कुछ करना है और दीदी कुछ करेगी तो उसको अच्छा लगेगा, और मैं दूसरी तरफ से चाहती हूँ वो कुछ करे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं ऑडियंस को सबको बोलना चाहती हूँ, अगर
थोड़ा बहुत जितना मुझसे हुआ मैंने किया। और एक है जिसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ, राजेश जी, उसका सबूत भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैं उन लोगों के बिना कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास था ही नहीं कुछ। ये जब ये गाना गाया तब भी मैं सोच रही थी उससे और नहीं हो पाएगा, जो छूट गया और नहीं होता। लेकिन ये दोनों ने मुझे बोला, नहीं दीदी, सब कुछ है, अभी भी है, आप तुम्हारे अंदर जो है वो सबके सामने लाओ। तो पता नहीं सबको कैसा लगेगा, लेकिन मेरे सचमुच मेरे अंदर जो था वो ही मैंने कोशिश की बाहर लाने के लिए। अभी आप लोगों के हाथ में है और ऊपर वाला के हाथ में है, उन्होंने जो चाहेंगे ऐसा ही होगा। मैम, एक फिल्म के लिए आपकी वॉइस सिलेक्ट हुई, अगर उसके बारे में कुछ आप। मैं बी आर चोपड़ा की वहाँ मेरा कैसेट भेजा था, तो कैसे सिलेक्ट भी हो गया था। मुझे कलकत्ता से आने इधर ही आना था मुंबई में, तब मैं कलकत्ता में रहती थी। तो मैंने बोला कि मैंने बोला ना एक दिन अचानक, तब तो प्रैक्टिस चालू ही था मेरा, तो तब जब गाना मैं स्टार्ट किया तो अचानक सुबह जब प्रैक्टिस कर रही थी तानपुरा में, तो गला पूरा चला गया था। तो शायद भगवान कुछ, मैं हम कुछ चाहते थे और भगवान ने कुछ चाहा, इसलिए मेरा गाना स्टॉप हो गया था। तो वो तो मेरी नसीब की बात थी और भगवान ने कुछ चाहा था, ऐसा ही हो गया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आप खुद गाने में फीचर कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा, और अगर एक एक करके बताएं आप। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। और प्रीता और राजेश और दीदी जो हैं, ये प्रैक्टिकली परिवार हैं तेरे लिए, तो इनको तो मैं कभी ना कर ही नहीं सकता। जिस वक्त इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे कॉल आया था, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ था, मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, सीरियल की भी शूटिंग चल रही थी, और तबीयत कुछ नासाज सी थी मेरी। तो शूटिंग के चार दिन पहले मैंने राजेश को फ़ोन करके बोला कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कैमरे में अच्छा नहीं लगूंगा। तो राजेश ऑब्वियसली और प्रीता भी, मतलब बस खाली चाकू लेके काटना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाता हूँ। जहाँ तक संगीत का सवाल है, बहुत लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन मैं जब बॉम्बे आया था बहुत साल पहले, 94-95 की बात कर रहा हूँ, मैं दरअसल एक तो नौकरी कर रहा था, नौकरी के सिलसिले में आया था, और मैं प्लेबैक करना चाहता था, और शायद ऐसी कोई कंपनी होगी जहाँ पर मैं नहीं गया। और आज देखिए, इतने साल बाद, 30 साल बाद, क्या इत्तेफाक है, आज मैंने उस शख्स के साथ ये मंच शेयर किया, जतिन जी की बात कर रहा हूँ, जिनके ऑफिस में पहुँचने के लिए भी बड़ी जद्दोजहद थी, और आप 90 का दशक याद करके देखिए कि वो उस वक्त क्या थे। तो जब उनकी जोड़ी टूटी तो फिर मेरा भी थोड़ा दिल टूट गया, क्योंकि बेसिकली मैं जो था, मैं जरा पंचम घराने से हूँ, मैं जरा आडी बर्मन के घराने से हूँ, तो और जतिन ललित वॉज द लास्ट यू नो ग्रुप जिन्होंने उनके उस मेलेडी को कैरी फॉरवर्ड किया, उसके बाद से कोई आया नहीं। तो फिर मैंने भी सोचा चलो ठीक है, एक्टिंग की गाड़ी चल रही है, एक्टिंग ही करते रहते। उसके बाद से मैंने प्रोफेशनली कभी गाने का सोचा भी नहीं, गाया भी नहीं, अब कभी कभी दो लगा के गा लेता हूँ दोस्तों के साथ, वो बात अलग है। इसमें काम करके बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी हमने काम ख़त्म किया। एक तो डेट्स के इशू थे, मैं एक शूट से आया था, आधा दिन दिया हुआ था, उसी आधे दिन में ख़त्म करके काम करना था। तो और वहाँ पे ये मेरी ब्यूटीफुल को एक्ट्रेस मिली मुझे सुलगना, तो जितना अच्छा काम उन्होंने पढ़ते पे किया है, एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उतना ही अच्छा ये लिखती हैं, लेखन का भी बहुत बढ़िया हाथ है इनका। तो इनके साथ काम करके मज़ा लगा। जो डायरेक्टर साहब हैं ये भी बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, और अफसोस कि उसके बाद से हम अभी तक तो काम नहीं कर रहे, पता नहीं कहीं और कर रहे होंगे, हमें तो बुलाया नहीं। तो
अभी दो मिनट का ब्रेक मिला तो सुशांत के लिए एक बार खाना वापस से चलाएंगे प्लीज। ये हमारे सीनियर एक्टिंग में तो सीनियर हैं ही और मित्र और इनके साथ हमने बहुत सारे ड्राइव पेट्रोल्स वगैरह किए हैं। अदरवाइज ज़ाती तौर पर मुलाकात होती नहीं क्योंकि ये भी मसरूफ रहते हैं, हम भी अपनी दुनिया में खोए हुए रहते हैं। बहरहाल रहा सवाल प्रोजेक्ट का तो इसमें काम करके बहुत अच्छा लगा और मेरी दिली मुबारकबाद दीदी को कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये आगाज़ है, अंजाम तो बहुत दूर है। और किथा की जो कंपनी इन्होंने बनाई है ओम एंड एनबीएम बेसिकली ये मार्क माय वर्ड्स, आप देखिए कैसे दिन दुनी राज्य अपनी तरक्की करती है और कितनी खूबसूरत प्रोजेक्ट्स इस बैनर के तरीके जस्ट मार्क माय वर्ड्स, बस सिर्फ वक्त की देरी है, बाकी एवरीथिंग दे हैव एवरीथिंग। ऑल माय यू नो बेस्ट विशेस टू द एंटायर टीम एंड आई एम सो ग्लैड एंड हैप्पी टू बी हियर इन मिड्स ऑफ ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मैं तो ये पहले बोलना चाहूँगा कि सबसे कम अगर किसी ने काम किया तो शायद इस प्रोजेक्ट में मैंने किया, बिकॉज एक्टिंग के लिए इतने एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं, मुझे उनको ज़्यादा काम कुछ बोलना भी नहीं पड़ा, मुझे बस जस्ट सिचुएशन समझाना पड़ा और हो गया। सबसे कमेंडेबल मैं बोलूँगा दीदी को, उन्होंने इतना अच्छा किया, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि इतना, इनफैक्ट उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया और उनके लिए बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं कि जो बहुत ही ब्यूटीफुली निकल के आया। एक्सपीरियंस इस फिल्म का तो बहुत अच्छा था, इस म्यूज़िक वीडियो का अच्छा था, हम लोग बहुत दिनों से मैं ऐसा बोलता हूँ कि जब भी हम लोग एक फिल्म करते हैं वी टेक बैक अ स्टोरी विथ अस, वी टेक बैक मेमोरीज विथ अस। सो इस फिल्म का और इसमें बहुत सारे मेमोरीज है, जैसे राइट फ्रॉम लोकेशन हम लोग का ढूंढना, हम लोग बहुत जगह में गए, कैसे कैसे लोकेशन ढूंढे, स्टूडियोज ढूंढे, हम लोग ने सब कुछ किया और इस फिल्म अभी यहाँ तक आया। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मेमोरी एंड ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी ये अच्छा निकल गया है। म्यूज़िक के बारे में तो ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे दिग्गज हैं, उन्होंने कह दिया तो मैं गुस्ताखी नहीं करूँगी म्यूज़िक के बारे में कहने का। और ये गाना जैसा कि कहा दीदी ने कि ये रविंद्र संगीत है और जब मुझे एक्चुअली मैं राजेश दा को बहुत अच्छे से जानती हूँ तो उन्होंने जब बुलाया इस म्यूज़िक वीडियो के लिए, जब उन्होंने मुझे स्टोरी बताई कि म्यूज़िक वीडियो का क्या कॉन्सेप्ट है तो एक तो वो मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है उस कहानी से हर कोई रिलेट कर सकता है क्योंकि हम सभी ने लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी पड़ाव पे अपनी इच्छाओं को त्यागा है, चाहे खासकर लड़कियाँ करती ही है माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, पति के लिए, पर ज़िंदगी में फिर एक ऐसा कोई वक्त आता है जब आप चुनते हो कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है। तो वो स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी और फिर जब मैंने दीदी के बारे में सुना, स्मृति दीदी के बारे में, एंड आई वाज लाइक सीरियसली इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, इफ़ शी कैन रीस्टार्ट अगेन देन आई मीन इट वुड बी एन ऑनर टू डू दिस रोल। तो ये आई रियली होप कि आप सबको भी इंस्पिरेशन मिले ये वीडियो देख के, और गाना तो ऑफकोर्स रविंद्र संगीत है तो जिस तरह से हमने इस कहानी को इस गाने के साथ ढाला है आई थिंक ग्रेट वर्क बाय डायरेक्टर साहब कि बहुत खूबसूरती से उन्होंने इसको पिरो के निकाला है। और आई एम सो फॉर्चुनेट कि मुझे मौका मिला इसका हिस्सा होने का, लेकिन कोई भी मेहनत कभी भी अपने मुकाम पर तब तक नहीं पहुंच सकती आज के ज़माने में जब तक वो डिजिटली रॉक ना करे। तो आप सबको यहाँ पे मैं गुजारिश करूँगी, प्रिथा दीदी ने अपने मम्मी पापा के नाम से नया चैनल स्टार्ट किया है NBM, आप लोग प्लीज़ इस चैनल को भर भर के प्यार दीजिए, इस वीडियो को जहाँ तक हो सके पहुँचाइए। माना ये बंगाली सॉन्ग है लेकिन संगीत की कोई भाषा नहीं होती,
और अगर ये कहानी छू सकती है तो किसी भी भाषा में छू सकती है, और ये कहानी ऐसी है जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है। तो खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब फॉलो, पता नहीं और क्या क्या करते हैं आजकल, जो सब भी करते हैं वो सब कीजिए, और इस गाने को इतना ज़्यादा फेमस कर दीजिए कि हमें और मोटिवेशन मिले, और प्रीथा जी इसके बाद मुझे और 10 गाने बताऊंगी। सो या थैंक यू सो मच यार भाई। बहुत अच्छा है, म्यूजिक वीडियो देखा मैंने, अभी देखा, आज ही देखा पहली बार, बहुत खूबसूरत है। सो पहले मैं सोच रहा था कोई पूछेगा कि आप यहाँ कैसे आपके, तो मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए जब मुझे अप्रोच किया इन लोगों ने, मुझे अप्रोच ही नहीं किया। नो, प्रथा और राजेश बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे, और इत्तेफाकन हम लोग नेबर्स भी हैं, तो पर वही है कि बॉम्बे में मुलाकात बिल्डिंग में कम होती है, आते जाते ज़्यादा होती है। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इस बहाने मुलाकात होगी, ठीक है। मैंने इनवाइट लास्ट फंक्शन के लिए भी किया था, लेकिन मैं शूटिंग पे लेट हो गया था, सॉरी। सो वेरी नाइस वीडियो, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, गाया बहुत अच्छा है स्मृति जी ने, और म्यूजिक अच्छा है, आप लोगों का काम भी अच्छा है, तो सब अच्छा है। वेरी वेरी टेस्टफुली शॉट, ऑनेस्टली वेरी टेस्टफुली शॉट, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करो, फिर मैं भी दिखूंगा, कोई मेरा भी ऐसे वीडियो पब्लिक करेगा कल, है ना? हाँ, जरूर, बिल्कुल, मेरा भी कुछ हो जाएगा जिंदगी में। प्रीता मैम, आपसे जानना चाहूँगा, इतने बड़े बड़े डिग्निटरीज आए, सबने अप्रिशिएट किया गाने को, क्या कहना चाहेंगे? और भी चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा, NBM जो आपने प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा है, उसके बारे में भी कुछ बताइए कि क्या रीज़न था ये नाम रखने के पीछे। पहली बात तो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इतने बड़े बड़े लोग आए हैं यहाँ पे, और इतने अच्छे उन्होंने विशेष हमारे सबके लिए दिया है, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, तो वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि वो आए यहाँ पे। और हाँ, कि मैं हमेशा ये मैं मतलब बिलीव करती हूँ कि अच्छा काम कभी ना कभी कहीं ना कहीं सराहा जाता है, और उसके लिए सिर्फ एक छोटी सी प्रयास की ज़रूरत है, वो ये हमारी प्रयास है। और जैसे कि सब लोगों ने कहा, आपके बिना हम मतलब बाकी लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पे हैं, और आप लोगों को भी ये अगर अच्छा लग रहा है तो आशा करती हूँ कि भगवान की कृपा से हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं है, ये है। और दूसरी बात ये है कि हाँ, NBM प्रोडक्शन का नाम इसके लिए है, हमारे जो भी सिबलिंग्स हैं, हम लोग हमारे जो पिता माता जी जो हैं पेरेंट्स, वो म्यूज़िकली बहुत इंक्लाइंड थे, और बहुत बहुत पसंद करते थे कि आप भी कुछ सीखो, आप भी आगे चल के कुछ म्यूज़िक में कुछ करो, तो वो अभी यहाँ पे नहीं है, मतलब दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी जो लेगेसी है वो उसको आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयास है। और आप लोग जानते होंगे, इन लोगों ने भी काफ़ी कहा है इस बारे में कि जर्नी बहुत उबड़ खबड़ रास्ते पे होकर जाते हैं, सब जो भी नए न्यू कमर्स आते हैं सबके साथ होता है, मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन इतने सालों का जो तजुर्बा हम लोगों ने इकट्ठा करते हैं, अगर वो चीज़ दूसरे लोगों के लिए हेल्प नहीं होता है, तो ये तजुर्बे का कोई मकसद नहीं, मतलब नहीं है। मैंने जो सीखा है, मुझे जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स आई है, आज इतने सालों के बाद मैं कह सकती हूँ ना, ये इस तरीके से चलते शायद ये ठीक होता। तो मैं चाहती हूँ कि आगे के जो भी ऐसे कोई टैलेंट है, जिनके पास बहुत टैलेंट है लेकिन लाइमलाइट पे आ नहीं पा रहे हैं, अच्छा काम उस तरीके से दे नहीं पा रहे हैं, तो मैं उनके लिए काम करना चाहूँगी। मैं उनको बोलूँगी कि प्लीज़ आएँ, हमारे साथ रहें, और मेरे से जितना हो पाएगा, अपने प्रोडक्शन हाउस के तरफ से जितना हो पाएगा मैं करूँगी। और ये एक चीज़ मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि आप भूखा हैं तो आपको जो भी खाना दिया जाएगा ना, आप वही खाएंगे। अगर आपको अच्छा खाना दिया जाएगा तो आप अच्छा, बहुत अच्छे से खाओगे, आप वो हेल्दी होगा। अगर गंदा मतलब समोसा और स्ट्रीट फूड कुछ भी दे देंगे, वो भी आपको काम आएगा, लेकिन वो हेल्दी नहीं होगा। मेरा काम ये है कि हेल्दी फूड जो हंग्री है वहाँ तक पहुँचे, वहाँ तक जाए चीज़, और अच्छी म्यूज़िक सबके कान में, अच्छी चीज़ें जाए, अच्छी तरीके से जाए, और अच्छी चीज़ को सराहा जाए। वाह।
देखिए ये भी आप सबके लिए अचानक से ही आया राइट। ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिसाइडेड है, काफ़ी सारे रो पे है कि एक के बाद एक आने ही वाले हैं और उड़ान तो बहुत ऊपर तक भरने की ख्वाहिश है। देखिए कहाँ तक जाते हैं और आपके जब भी कुछ भी होगा आप तो सब, मुझे लगता है कि आप लोग तो लूप पे रहोगे, आपको तो सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो देखिए वेट करते हैं और प्रे करते हैं कि अच्छे काम आ जाए। आप इतना अच्छा गाते हैं, आपको सुनने का मौका कब मिलेगा? मुझे तो आप लोगों ने सुना है, सुना ही है, लेकिन कभी आप लोगों ने ऐसे पूछा ही नहीं पहली बात। दूसरी बात है कि काफ़ी जगह पे मेरे गाने मैं खुद ही सुनती हूँ, मैं बाजू में से निकल जाती हूँ, किसी को पता ही नहीं चलता क्योंकि ऐसे कोई कभी मेरा चेहरा देखा ही नहीं है। मेरे गाने फेमस है लेकिन मैं फेमस नहीं हूँ, मेरा चेहरा फेमस नहीं है। हाँ ये रही मतलब बहुत ज़माने पहले की बात बोल रही हूँ, लेकिन हाँ मैंने मोहब्बत वास्तव ज़ारा ऐसे सारे फिल्म्स में गाए हैं। और ये जो प्रोडक्शन हाउस है इसका काम यही है कि अच्छा कुछ हो वो आप तक लाएं, तो मैं भी कोशिश करूँगी इसमें अगर कभी कभार मेरा भी कुछ काम अच्छा हो तो मैं उसमें भी ज़रूर इसके थ्रू रिलीज करना चाहूँगी। क्या बात, इन लोगों ने आपको भी प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच नहीं किया? नहीं बिल्कुल नहीं करते। कैसे हो राजेश सर, आपसे जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा बताइए इस गाने की जर्नी के बारे में और आपके एक्सपीरियंस के बारे में। मैं इनका भी सवाल एक्चुअली थोड़ा बहुत जवाब यही देने वाला था एक्चुअली कि यही बात कि प्रीता के बारे में एक्चुअली बहुत कम ही लोग जानते हैं क्योंकि उसके गाने जो है बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। एक तो मतलब सुपर हिट गाना था वास्तव में जवानी से अब जंग होने लगी, तो उस गाने से एक्चुअली कश्मीर आशा रियली शॉट टू फेम विद दैट वन सॉन्ग। मोहब्बत फिल्म में चार गाने हैं उसके, फिर मेरी याद की शादी से लेकर बहुत सारी फिल्मों में दिल दिल प्यार प्यार। तो हमेशा से मैंने ही सोचा है कि प्रीथा तो जितना डिजर्व करती है मतलब उसका आधा क्या फ्रैक्शन भी नहीं मिला उसको, और ऊपर से प्रीथा की जो गुरु है, प्रीथा की फर्स्ट गुरु जो दीदी है स्मृति दीदी, दीदी के लिए फर्स्ट टाइम प्रीथा कुछ करने जा रही थी तो ये तो मतलब मैंने सोचा कि ये तो बहुत बहुत ही बढ़िया सोच ही बहुत बहुत बढ़िया थी। तो पहले ऑब्वियसली म्यूज़िक प्रोडक्शन से लेके दीदी के लिए इतना करना तो मतलब फर्ज से भी ज़्यादा था मेरे लिए, और उसके बाद जितना हो सके शूटिंग में मतलब बस थोड़ी बहुत मैं सपोर्ट था, हेल्प तो नहीं बट एंड फिर थोड़ा स्पेशल पोस्ट प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजिंग एंड उसमें जितना मैं हो सके एज मच एज आई कुड हेल्प आई डिड माय बेस्ट। सो वी आर प्रेइंग नाउ एवरीथिंग डिपेंड ऑन यू, आप लोग पर सब कुछ डिपेंडेंट है। एंड जो बोल रही थी सुलगना थोड़ी देर पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह ये सब बेल बटन तो ये सब वो करें, घंटी बजाइए घंटी बजाइए। अब जितने आप घंटी बजाएंगे उतने हम गाने बनाएंगे। हमारा काम हो गया, अभी बाकी आप लोगों के और भगवान के हाथ में। नहीं और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मेरे जो कास्ट और क्रू है जो कि ये जो फिल्म है अपनी शॉर्ट फिल्म है आपने देखा होगा इसमें डायलॉग्स एक्चुअली है नहीं, तो जैसे कि इन्होंने भी कहा है कि इट्स लाइक एनीवेज, तो ये जो फिल्म का जो भले ही ये बांग्ला गाना है बांग्ला है लेकिन हम लोगों ने इस तरीके से उसका पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि किसी भी लैंग्वेज में जाएं वो सिर्फ उनकी एक्टिंग इतना अच्छा होना चाहिए कि लोगों तक वो पहुंच पाए इजीली। तो मैं इसके लिए बहुत 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 खुश हूं कि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो अपने फील्ड में बहुत बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं और इन्होंने सच में मुझे बहुत कोऑपरेट किया। कोई एक नया प्रोडक्शन हाउस जब लॉन्च होने जाता है बहुत सारे इफ्स एंड बट्स रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि पता नहीं ये आगे चल के रिलीज़ भी होगा या ऐसे डब्बा बंद हो जाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा ही नहीं है, मुझे फुल हार्टेड एकदम सपोर्ट किया है। वो इसलिए नहीं सोचा क्योंकि हमने एज अ प्रोडक्शन हाउस इनको देखा ही नहीं, हमने सोचा कि
हमारे मित्र हैं, परिवार जैसा है, अपना ही परिवार है, कुछ कर रहे हैं तो इसमें सहयोग देना हमारा फ़र्ज़ है। तो ना हमने कभी पैसे की बात की, हमने कुछ नहीं, बस उनका कहना था तुम्हें करना है, मैंने कहा हाँ हमें करना है, हम गए, हमने अपना काम किया और फिर चले गए। फिर इन लोगों की जो जद्दोजहद पिछले एक साल से थी इसको यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए, हैट्स ऑफ टू प्रिथा एंड राजेश एंड दीदी एंड लाइक ब्रिलियंट ब्रिलियंट। इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि ये एक गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, वो ये कि ये जो स्टोरी म्यूजिक वीडियो आपने देखा है ये एक्चुअली दीदी की लाइफ स्टोरी नहीं है, ये फिक्शन है, कहानी है। दीदी के हस्बैंड से 102% हमेशा सपोर्ट मिला है दीदी, ऐसा नहीं है। ये जो जो पता चला बाद में बेचारे को लगा क्या ही मेरे बारे में क्या बोला। आपके हस्बैंड की वजह से आपका गाना बंद हो चुका था, तो ऐसा नहीं है। नहीं, ये देख के आप, ये सप्तशी ने वो कतई वैसे नहीं है जो मैं पर्दे पे हूँ। थैंक यू, ग्रुप फोटो।